हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे ये देखिए बोगनविलिया के बारे में बात करूंगी। अब बोगनविलिया जो है वो गर्मी के मौसम में फ्लावर देता है, तो अब इस प्लांट को हम फूलों के लिए गर्मी में अब ये फूल देगा तो अब हम इसे खाद कैसे देंगे, कैसे इसको तैयार करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको काट देती हूँ। मैंने बाकी अपने बोगनविलियास की कटिंग कर रखी है और इस वाले की नहीं करी थी क्योंकि इसमें फ्लावर आ रहे थे। तो देखिए इसको मैं अच्छी तरह से ऐसे प्रून कर देती हूँ। इसको प्रून कर दीजिए इस टाइम अच्छी तरह से अब आप, और देखिए इसको जो भी लंबी लंबी ब्रांचेस आपकी शेप खराब कर रही हैं प्लांट की, और उनको सबको हम ऐसे काट देते हैं ताकि इसमें नई ब्रांचेस आएंगी। और इसके बाद प्रून की ये जैसे जितनी भी ये सूखी हुई सारी ब्रांचेस हैं ये सब हम निकाल देते हैं। ये वाली सूखी एक ब्रांच है, इसको भी ये देखिए ये वाली सूखी ब्रांच है, इसको भी ऐसे निकाल देते हैं। तो इन सबको हमने ऐसे निकाल दिया और अब हम क्या करेंगे, इसको खाद डालेंगे। तो खाद कैसे डालेंगे हम, देखिए अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है और वो बिल्कुल जो है हर वक्त मुरझाया हुआ रहता है और आपको पता चल जाता है कि गमले के हिसाब से पौधा बहुत बड़ा हो गया है, या उसके नीचे से ऐसे ये जो ड्रेनेज होल है इसमें से जड़ें निकल रही हैं बाहर, तो फिर आप क्या करिए कि रिपोर्ट करेंगे फिर हम उसको। और रिपोर्ट कैसे करना है मैंने उस पर वीडियो डाली हुई है। आप गमले को बाहर निकाल के, और मैं एक दो दिन में रूट प्रूनिंग पे वीडियो और डालूंगी, वो भी आप देख सकते हैं, उसको देख के आप फिर रिपोर्ट कर लेना अपने गमले को। लेकिन जैसे ये छोटा गमला है और इसमें पौधा छोटा है और इसको अभी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। तो देखिए इजी तरीका आपको बता रही हूँ कि आपको इसको खाद कैसे देनी है। ये देखिए आपको दिख रहा है मेरी मिट्टी में ऑलरेडी बहुत खाद रहती है, ये देखिए कैसी ब्लैक हुई हुई है मिट्टी। तो इसको अब मैं ऊपर से इसकी 3-4 इंच मिट्टी जो है वो ऊपर से निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए अब मैंने इसकी कितनी मिट्टी निकाल ली है, इतनी इतनी कम से कम 3-3 इंच मिट्टी मैंने इसकी यहाँ से ये साइडों में से ऐसे निकाल ली है। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये जो बोगनविलिया है इसकी जो इसको पसंद है रूट बाउंड गमला, थोड़ा सा रूट बाउंड कंडीशन में हो तो ये अच्छा ग्रो करता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा रूट्स पौधा डल ही होना शुरू हो जाए और उसमें पता चल जाता है कि अब इस पौधा इस गमले में नई पत्तियां नहीं दे अच्छी तरह से, तो आपको पता चल जाता है कि ये रूट बाउंड हो गया है। बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाए तो उसको हमें रिपोर्ट करते हैं। अब देखिए मैंने ये इतना इसको खाली कर लिया। अब खाली करने के बाद इसमें मैं ये देखिए ये मैंने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट को मिला के रखा हुआ है आधा आधा, अब इसको इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए ये जो हमने बनाया है कितनी सारी डाल रही हूँ मैं, देखिए आप अच्छी क्वांटिटी में इसमें हम आप ये डाल देंगे। ये देखिए मैंने जैसे आपको कहा 300 ग्राम के करीब आप डाल सकते हैं। और इसमें अब मैं थोड़ी सी बोन मील डालूंगी, इसमें बोन मील कम डालनी है क्योंकि जो बोगनविलिया है इसको इसमें मैं बोन मील डाल रही हूँ बस 2 चम्मच के करीब, तो बोगनविलिया को फॉस्फोरस ज़्यादा पसंद नहीं है, इसको पोटाश ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए ये पोटाश आता है ऐसे, देखिए जो मैं आपको पोटाश बोलती हूँ ऐसा वाइट पिंक कलर का भी आता है और ये वाइट पाउडर जैसा भी आता है। तो ये देखिए ये मैंने पोटाश डाल दिया 1 चम्मच। पोटाश के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जड़ से बिल्कुल दूर डले आपकी, और इसको जब दें तो मिट्टी गीली होनी चाहिए और देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे तो ये आपके पौधों को ख़राब कर देता है। इसलिए कई बार माली कह देते हैं कि पोटाश पौधों को नहीं देना चाहिए, लेकिन ये पौधों को इसके लिए फूल आने के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मैं इसमें 1 चम्मच के करीब, 1 चाय के चम्मच के करीब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं, कोई भी जो आपके आसपास दुकानों पे मिलता हो, और मैं जो है वो इसमें डाल रही हूँ ट्राइकोडर्मा।
ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड होता है, ऐसे आता है, देखिए ये पेस्ट कंट्रोल वालों का है ये ट्राइकोडर्मा, ये देखिए ये लिखा हुआ ट्राइकोडर्मा। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है वो ये एक्चुअली एक तरह का फंगस है, बेनिफिशियल फंगस के स्पोर्स हैं, उसके बीज हैं, और जो कि फंजीसाइड का काम करते हैं, जो नुकसानदायक फंगस होती है उसको खा जाते हैं, वो इसका फूड होता है इस ट्राइकोडर्मा का। नुकसानदायक बैक्टीरिया फंगस उनको ये खाता है, ये ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, इसलिए ये जो है ये एज अ फंजीसाइड, बायो फंजीसाइड इसे कहते हैं। और ये मैं इसके बीज डाल रही हूँ जिसको स्पोर्स कहते हैं, इनसे ये फंगस अच्छी तरह ग्रो कर लेता है। कई कई बार ये डालने के बाद आपको ऊपर मिट्टी पर हरा हरा सा कुछ दिखना लग जाता है, तो आप घबराएं नहीं, वो ये ट्राइकोडर्मा डालने के कारण है, अगर आप ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं। और नहीं तो आप कोई भी फंजीसाइड जो आपके आसपास दुकानों पे मिलता है वो लाके डाल सकते हैं। इसमें मैं अब थोड़ा सा नीम केक भी डाल रही हूँ, नीम केक पाउडर भी अभी डालती हूँ, लेकिन अगर हमने ट्राइकोडर्मा डाला है तो हम नीम केक पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। तो आप या तो फंजीसाइड पाउडर कोई सा भी लाके डाल लीजिए या फिर ट्राइकोडर्मा डाल लीजिए। ये देखिए इस बार मेरे पास ये नीम का खली जो है वो ऐसे आई है, पाउडर फॉर्म में नहीं आई, वैसे हमेशा पाउडर फॉर्म में। अब मैं एक मुट्ठी ये भी डाल रही हूँ। अब डालने के बाद क्या करना है, देखिए थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, ये देखिए डाली, और ये जो हमने खाद डाली है इसमें इस मिट्टी को मिला देना है, इसको प्योर खाद नहीं रहने देना है, ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये प्योर रहेगी खाद तो पौधे को नुकसान दे सकती है। इसमें अब हम ये जितनी मिट्टी हमने डालनी है डाल के इसमें इसको मिक्स कर देंगे, ये देखिए। अब हम इसको बाहर निकाल के भी मिक्स करके दोबारा डाल सकते थे, लेकिन फिर उसमें वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें निकली हुई मिट्टी और उसमें खाद कितनी मिला के वो जो मिक्सचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं फिर उतना ही डालती हूँ मिट्टी जितनी ज़रूरत हो, ये देखिए। इसलिए इसमें डाल के ऐसे मिक्स करना जो है वो बेटर है, ऐसे करके ना अच्छी तरह से, ये देखिए इसको ऐसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ऐसे। अब इसको ऐसे थोड़ा सा हम खुरपी के पीछे वाले हैंडल से प्रेस कर देंगे इसको अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे। और अब गर्मी आ रही है तो अब हमें अपने गमलों में ये ऊपर जो जगह होती है ये ज़्यादा छोड़नी है ये वाली, इसलिए ताकि पानी अच्छी तरह भरा जा सके। कम जगह होगी तो थोड़े से पानी से गमला भर जाएगा और हम सोचेंगे हमने पानी दे दिया है और वो पानी नीचे अच्छी तरह जाएगा नहीं, इसलिए अब हमें जो है ये जगह थोड़ी, देखिए पहले मेरी ये जगह इतनी थी, आपको पानी का निशान दिख रहा है, पहले ये जगह यहाँ ऊपर थी। ये एक्चुअली ग्लव्स मेरे थोड़े बड़े हैं, मेरा हाथ छोटा सा है तो इसलिए ये देखिए ये पहले यहाँ तक था पानी, अब मैंने मतलब मिट्टी यहाँ तक थी, अब मैंने यहाँ नीचे तक कर दी है। तो ऐसे इसको अब मैं इसको पानी दे देती हूँ, तो अब देखिए इसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोटाश डाला है, वैसे आप ना मैं भूल जाती हूँ आप लोगों को बताना, क्योंकि मुझे वीडियो को फिर और लंबी हो जाती है पानी डालना दिखाऊं करूं, इसलिए तो आप जब भी कोई भी मैं बताती हूँ रिपोर्टिंग या कोई भी खाद डालना, जब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँ तो मैं बाद में उसमें पानी डालती हूँ वीडियो में, मैं एक्स्ट्रा लंबा नहीं करना हो, पानी लेके बैठती नहीं हो, इसलिए नहीं बताती हूँ। तो आप लोग जो भी कुछ करते हैं गार्डनिंग में काम, कोई खाद डाली है, कोई आपने पोटाश डाला है या आपने बोन मिल, जो भी चीज़ कोई फंजीसाइड कुछ भी आप मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद आप पानी ज़रूर दिया करिए। अगर पानी ओवर वाटरिंग नहीं है तो पानी जरूर, मतलब पहले से ही बहुत गिली है मिट्टी तो ना दें, लेकिन अगर नया कुछ काम कर रहे हैं तो पानी ज़रूर दें। देखिए अब पोटाश डाला है तो अगर मैं इसके बाद पानी नहीं देंगे हम तो जो है वो पौधे को जला देता है पोटाश, तो ये याद रखिए जब भी आप पोटेशियम पोटाश डालें। अच्छा, इसकी जगह आप अगर ये पोटाश केमिकल नहीं लाना चाहें बाजार से, तो आप जो केले के छिलके होते हैं उनको सुखा के रख लीजिए, उनका पाउडर बना के वो डाल सकते हैं, क्योंकि केले के छिलके जो होते हैं
वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं और उनका उनका पोटेशियम और भी बहुत सारी चीजों में पोटेशियम होता है, लेकिन केले के छिलकों का पोटेशियम बहुत जल्दी मिलता है प्लांट्स को, तो वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है प्लांट्स के लिए, वो डाल सकते हैं पोटैश की जगह। तो अब ये जो प्लांट है आपका तैयार है गर्मियों में फूल देने के लिए। अब इसमें हमने जो खाद डाली है उससे इसको नाइट्रोजन मिला है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, तो अब इसमें नए नए पत्ते आएंगे और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये फूल देगा। इसको फूल धूप में रखना जरूरी है, फूल धूप में, ताकि ये फूल दे। छाया में रखेंगे तो बोगनविलिया आपको फूल नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बोगनविलिया का ये वीडियो मेरा अच्छा लगा कि उसको अब गर्मी के लिए, हम अभी फरवरी में, ये बिल्कुल अभी टाइम बिल्कुल सही है, अभी आप इसको कर लीजिए, तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा फन गार्डनिंग इंग्लिश चैनल है जो इंग्लिश वाला, उसको भी ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।